स्वागत करते हैं फ्रेंड हमारे टेक्निकल न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना मोबाइल का जो है फोटो वीडियो अपने पीसी कंप्यूटर में कैसे देख सकते हैं। ये मेरे छोटे भाई साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से देखा जाता है। तो चलिए आपके लिए भी हेल्पदायक हो जाएगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में जानकारी दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ पाएगा। तो फिलहाल अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाला बेल आइकन के घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट में आपको बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए सीधे मैं लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर में कि किस तरह से आपको कैसा सेटिंग करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधे कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको देख लीजिए कि आपका मोबाइल ज़रूरत पड़ेगा। जो फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल का आपको ज़रूरत पड़ेगा, कोई सा भी जो भी आपका मोबाइल है, और एक डाटा केबल का, ठीक है। आपको डाटा केबल एक ले लेना है और अपने डाटा केबल को जो है अपने सीपीयू में ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर अपना सीपीयू में इसको ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। आप देखिए मैं इसको ऐड कर चुका हूँ। अब अपना मोबाइल के जो है चार्जिंग पिन जो होता है उसमें आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखिए कि मैं अपना चार्जिंग पिन में इसको ऐड कर चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तीन ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक जो पहला जो ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपका चार्जिंग होगा, दूसरा जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ना फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फाइल पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फाइल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अब जो आपको फिर क्या करना होगा कि देखिए कि यहाँ पे आपको चलता है, आप लेके चलता है कंप्यूटर पे। तो अब यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब देखिए कि आपको यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मिल जाता है आपके पीसी में कंप्यूटर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए जैसे ही आप ऐड करोगे तो आप ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये मेरा जो मोबाइल है ओप्पो A3S है, ठीक है। तो आपको ओपन ड्राइव टू व्यू फाइल, ठीक है, तो इस पर आके आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से सिंपली जो है आपको एक बार बैक आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ से बैक आना है और आपको यहाँ पर आपका कंप्यूटर दिख रहा होगा तो अपने कंप्यूटर में जाना होगा। और अपने कंप्यूटर में जाने के बाद जो है आप इसको बड़ा कर लीजिए और देखिए मेरा यहाँ पे से आ चुका है, ठीक है। आप इसमें कोई भी ड्राइव लगा दीजिए, कोई कुछ भी लगा दीजिए, आपका यहीं पे उसका नाम आपको दिख जाता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देख रहे हैं ओप्पो है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ओपन करने के बाद देखिए कि मेरा यहाँ पर लोडिंग होगा। देखिए मैं अपना ओप्पो को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा इंटरनल मेमोरी है तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए सारा कुछ फाइल यहाँ पे आपका मोबाइल का दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपना मोबाइल का फ़ोटो यहाँ पे दिखाता हूँ फ्रेंड, तो देखिए कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल का फ़ोटो ओपन किया हूँ। तो देखिए कि मैं अपना मोबाइल का यहाँ पर फ़ोटो ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरा भाई साहब का वीडियो कॉलिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, मैं दूसरा फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर खूब मालबाजी कर रहे हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड अपना जो भी वीडियो आपको देखना है आपका गैलरी में, तो मैं अपना वीडियो में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप यहाँ पे मीडिया ओपन किया हूँ और ये देखिए मेरे मोबाइल का जितना भी यहाँ पे वीडियो है, मैं आपको फ़ोटो तो दिखा चुका हूँ, मैं अपना वीडियो यहाँ पर प्ले करता हूँ। आप देखें कि यहाँ पर मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, मेरा वीडियो यहाँ पर प्ले हो चुका है। और इसी तरह से फ्रेंड जो भी आपका मोबाइल में है सारा कुछ आप देख सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐप एप्लीकेशन, जो भी आपका आपके गैलरी में रहेगा सारा कुछ आप अपने पीसी में देख सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ वीडियो को फॉलो करना, सारा कुछ आपको पूरा समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आए। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ है।